बारिश करना पड़ा संगार नाला से प्रेस कम्पनी से पकाना आईपीएल मोजे से पकाओ भी आईपीएल कर मोजे सब आते हैं हम तकरीबन आज आठ दिन से गुजारिश कर रहे हैं शायद सुनता नहीं है कोई मैं बस यू फिगर मिर्स एक ही अफेयर करना चाहती हूँ वो बेगुनाह है उसको छोड़ दीजिए It's not the result that the Indian fans were hoping for it's India's first loss to Pakistan in a world cup The India Pakistan match in the Cricket T20 Championship should have been a compelling source of entertainment but following India's defeat it has emerged as a source of torment for many in Jammu and Kashmir In UP's Raja Balwant Singh Technical Institute an engineering college in Agra three Kashmiri students Arshad Yusuf Inayat Al Sheikh and Shaukat Ahmed were accused of posting social media updates that highlighted Pakistan's victory. Shortly afterwards, they were arrested. The students were subsequently heckled when produced in court. Back home, the families of the three students are crestfallen as the fate of their children hangs in the balance. मतलब जब मुझे पता चला कि आगरा आगरा में हालात ख़राब हुई है मतलब मैच की वजह से एक बजे मैंने उसे कॉल की मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम मैंने उसे कॉल की थी फिर मुझे उसने कहा मैं ठीक हूँ मैं इस टाइम खाना खा रहा हूँ मैं बाद में कॉल करूँगी फिर उसने कोई कॉल नहीं की मैंने घर वालों को भी कॉल की मतलब ऐसी हालत हो रहे आगरा में मैंने तकरीबन मैच के तीन दिन की बात सुना है बच्चे ने फ़ोन किया है यहाँ हमारे पड़ोस में एक आदमी का शादी था हमने फ़ोन नहीं सुना उसने पुफाजी को फ़ोन लगाया कि अब हमें ये फ़ोन लेते हैं ये बोलते हैं आप लोगों ने ये किया वो किया तो ये फ़ोन ले जाएंगे अब हम मैं फ़ोन नहीं कर सकता हूँ तो मैं जब वहाँ से आया था तो यहाँ मेरा भाई रोता था मैंने उसको बोला क्या बात है बोल रहा था कि उसको ले गए हैं वो लोग थाने में

उन सब की पढ़ाई रोक लग, पर रोक लगा दी गई है उनको ना ही कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही उनके कोई पासपोर्ट और वीजा बनेंगे उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन ट्वीट लेटर इंडिकेटेड बुक्ड अंडर चार्जेस। इन बच्चों के रिलेटेड जो न्यूज आई थी वो तो फिर सरासर गलत निकली खुद uh, जो कॉलेज अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये बोला कि इन बच्चों ने कहीं से कोई uh, नारेबाजी की नहीं है तो ये केस किस बिना पे हुआ है The families of the accused have appealed to the government to show leniency in this matter and consider the future of the students. हम प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि इनको एक बार माफ करो हम तकरीबन आज आठ दिन से गुजारिश कर रहे हैं शायद सुनता नहीं है कोई

उसका लास्ट फोर्थ ईयर था वहाँ पे और उसका लास्ट तो सेमिस्टर भी था वहाँ पे मैं बस यू यूपी गवर्नमेंट से एक ही अपील करना चाहती हूँ वो बेगुनाह है उसको छोड़ दीजिए और कुछ नहीं चाहते मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रही हम सब उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं वो बेकसूर है हम बहुत ज़्यादा गरीब है हमारे पास कुछ नहीं है मेरे बेटे को दो शौक था एक पढ़ने का दूसरा क्रिकेट का बस उसको जिंदगी में यही है हाँ कि खिलाड़ियों को बोलो ये तो हार जीत आती है किसी को हारना है मैदान में उतरता है दो आदमी उसको एक में से हारना है इसमें तो यह टेंशन नहीं होना चाहिए इसने क्या मुल्क के खिलाफ लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दी विराट कोहली जो कैप्टन था इस मुल्क का

मे पफ वो वो ला मैं गई वुहरी तो ते खार गुजरेम पे नम फिर नम बच्च वच् तो करे वो ये दस वे लगम यह कुल मंजे नम रोज कुल बाल बच्चि लागू वो नमन पे नर्फ नमान कोन बे मैं माजे मे करा यूथ हमें शुर्म हंद भाई हम इसके साथ कोई मुदाखत करते हाँ मजदूरी करते हैं चुपचाप मैं कारपेंटर काम करता हूँ वही से अपना रोजगार करता हूँ मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी हमारी सब कुछ उस पर नीलाम किया है मतलब वो हमारा सब कुछ था सहारा मतलब उसको बचपन से ही कुछ शौक था मैं कुछ बनना चाहती हूँ और वो मतलब टॉपर था क्लास में भी उसका करियर मतलब खराब हो जाएगा मतलब उसका फोर्थ ईयर और लास्टर था ना